नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाष। दोस्तों, यदि हम बिहार की बात करें तो हमारा जो बिहार है वो ट्रेनों की कमी से जूझ रहा है। चाहे हम बात करें लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों की या फिर छोटी दूरी की चलने वाली ट्रेनों की, उत्तर बिहार में जहां पे साउथ इंडिया या फिर दिल्ली जाने वाली ट्रेनों की कमी देखने को मिलती है, और वहीं दक्षिण बिहार में भी इसी प्रकार की समस्या है। वहां पे भी जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें हैं दिल्ली मुंबई या फिर साउथ के राज्यों की, उनकी कमी है। लेकिन दोस्तों, दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार दोनों ही पैसेंजर ट्रेनों की कमी से भी जूझ रहे हैं। जो आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई भी इंटरसिटी सीतामढ़ी को पटना के लिए नहीं मिली है, और साथ ही साथ पैसेंजर ट्रेनों का जो हाल है सीमांचल के क्षेत्र में वो काफी ज्यादा बुरा है। अब दोस्तों, यहां पे यही बात उठी है हमारी देश की प्रतिष्ठित संसद में, और यहां पे ट्रेन चलाने की डिमांड की गई है। दोस्तों, कहां से ये डिमांड हुई है, किन किन ट्रेनों की बात की गई है, आज किस वीडियो में बारे में बात करेंगे पोर्टल के साथ। मेरा आपसे आग्रह, यदि भी सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना भी जरूर बताएं। और शिकायत आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम यहां पे संसद की बात करें तो कल के दिन लोकसभा में मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद जी ने ट्रेनों की बात की। उन्होंने यहां पे बताया कि मुजफ्फरपुर और बिहार के हजारों लोग प्रतिदिन नौकरी करने एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और उन्हें जाने आने के लिए पैसेंजर ट्रेनों का जो सहारा है वो नहीं मिलता है, क्योंकि रेलवे ने लॉकडाउन के बाद से बंद कई सारी पैसेंजर ट्रेनों को अभी तक चालू नहीं किया है। उन्होंने यहाँ पे 6 पैसेंजर ट्रेनों का मेंशन किया है। सबसे पहले तो समस्तीपुर से सिवान के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन, दूसरी है बरौनी सियालदा फास्ट पैसेंजर जो कि बिहार की एक पैसेंजर ट्रेन थी, ये ट्रेन अभी तक बंद है। साथ ही साथ यहाँ पे मुजफ्फरपुर नरकटियागंज पैसेंजर ट्रेन, मुजफ्फरपुर सोनपुर पैसेंजर ट्रेन, मोतिहारी रक्सौल पैसेंजर ट्रेन और मोतिहारी नरकटियागंज पैसेंजर ट्रेन, इन सभी का यहाँ पे जिक्र किया गया और डिमांड की गई कि इन सभी ट्रेनों को चालू किया जाए, जिससे बिहार के लोगों को फायदा हो सके और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने आने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं मिलेंगे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।